क्राफ्ट एक्टिविटी कार्यक्रम के तहत प्राथमिक विद्यालय इस्माइलपुर बराती के बच्चों ने पेपर बैग बनाकर दुकानदारों को किया जागरूक। शिक्षा क्षेत्र लालगंज जनपद आजमगढ़ के प्राथमिक विद्यालय इस्माइलपुर बराती के बच्चों ने आज दिनांक 6 अक्टूबर 2022 को क्राफ्ट एक्टिविटी कार्यक्रम के तहत पेपर बैग बनाना सीखा। इसके पश्चात बच्चों ने प्लास्टिक प्रयोग को बंद करने और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए अपने बनाए पेपर बैग को स्थानीय दुकानदारों को वितरित करके जागरूक किया। बच्चों ने लोगों को प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले नुकसान और पर्यावरण पर पड़ने वाले गंभीर दुष्प्रभाव से लोगों को अवगत कराते हुए प्लास्टिक प्रयोग के नुकसान से लोगों को जागरूक भी किया और दुकानदारों ने ग्राहकों से कपड़ा और जूट के बने थैले लेकर सामान खरीदने आने की अपील की। प्रभारी प्रधान अध्यापक आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पॉलीथीन मुक्त इंडिया का सपना सच करने के लिए सभी को आगे आना होगा और इसकी शुरुआत हम सभी को खुद से करनी होगी। हमें दूसरों को न देखकर शुरुआत खुद से करनी होगी, तभी इस पर विजय प्राप्त की जा सकेगी। प्रणाम अंकल जी, ये बच्चे प्राथमिक विद्यालय इस्माइलपुर बरहती के हैं और बच्चों ने कागज का बैग बनाया है। ये कागज का बैग ताकि लोग जो दुकानों पर प्लास्टिक लेने पहुंच जाते हैं, कोई भी सामान को पन्नी में लेते हैं, आप अब से लोगों को कहिए कि पहली बात तो घर से कागज का बैग लेके आए, कपड़े का बैग लेके आए और उसमें सामान ले। पन्नी का प्रयोग काफ़ी नुकसानदायक है, पन्नी का प्रयोग हमको नहीं करना है। तो विपिन बेटा बताओ जरा, ये पेपर का बैग आप लोगों ने अपने से बनाया है? यस सर। अच्छा, और इसको अंकल को दीजिए और बताइए कि प्लास्टिक का प्रयोग क्यों नुकसान करता है? प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक और नारी और जान कर देता है। अगर किसी पशु ने खा लिया प्लास्टिक को तो उसके लटाई में फंस जाएगा, गर्दन गले में फंस जाएगा ना, और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये जो पन्नी का प्रयोग है इसको रोकना है और हम लोगों को क्या करना है कि कागज के थैले को और कपड़े के थैले को बढ़ावा देना है। तो प्लास्टिक अगर बताओ सब प्लास्टिक अगर जमीन के अंदर भी दब जाए ना, तब भी वो कई सालों तक खत्म नहीं होगी, वैसे ही पड़ी रहेगी ना। तो वो चार्ट दीजिए, जो चार्ट आप लोग लाए हैं दादाजी की तरफ दीजिए, सामने करके इधर। हाँ, ये आपको बच्चों ने दिया है, इसको आप अपनी दुकान पे लगा दीजिएगा। इस पे लिखा हुआ है पॉलीथीन का प्रयोग बंद करो और कागज या कपड़े जूट के बने बैग का ही प्रयोग करें। तो हम लोग चाहेंगे कि अंकल आप भी थोड़ा बच्चों को प्रतिक्रिया दीजिए इसकी, कि आपको ये प्रोग्राम बच्चों का कैसा लगा और आप अपने ग्राहकों को आगे से क्या कहेंगे जब वो पन्नी मांगेंगे। तो थोड़ा आप भी अपनी जी, तो ये प्रोग्राम लड़कों को हमको बहुत अच्छा लगा। क्लैप करेंगे आप लोग, मांगते तो उसे कहेंगे घर से झोला लाकर आइए। क्लैप करिए सब लोग जी, जो है हम लोग अपने पन्नी का जो है प्रयोग रुके जी। और पन्नी बहुत नुकसानदायक है, पन्नी जहाँ पड़ जाती है नाली में या जानवर खा जाता है जी, या किसी प्रकार बहुत काफी हानिकारक है जी। और वो जानवर के पेट में भी जाकर नहीं गलती और जमीन के नीचे जो है जाने के बाद भी नहीं खराब होती, या खेती में फेंकी जाती है और खेती भी खराब हो जाती है जी। तो हम प्रोग्राम को बहुत अच्छा लगा जी, इसके लिए हमको बहुत बहुत लोगों का धन्यवाद। सभी बच्चे क्लैप करके अंकल का स्वागत करेंगे। और बच्चों आप लोग अपना जो पेपर बैग लाए हैं दिखाइए एक बार, कितना आपने बनाया है इधर दिखाइए मुझे कैमरे में भी। ठीक है, ये बच्चों ने अपने से बनाया, आप लोग अपने से बनाए हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, अंकल को दे दीजिए और कहिए इसी में सामान देंगे। और ये कागज आप लोग चिपका दीजिए, जो हमने दिया है इसको आप लोग चिपका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।